जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत ग्वाला बस्ती निवासी विकास रजक के 1.5 साल के बेटे का अपहरण हो गया था। जमशेदपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर इसका खुलासा कर लिया और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि विकास रजक के बेटे का अपहरण उसके पड़ोसी नीतू कौर और उसकी माँ बबली कौर ने किया। बच्चे को 3.5 लाख में प्रभजीत कौर को बेचा गया। पुलिस ने ये 3.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। वहीं आरोपी बबली का कहना है कि उसका एक बेटा दिव्यांग है जिसका इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी और इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्चे के रेस्क्यू के उपरांत अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि जिस घर में बच्चे रह रहे थे उनके पड़ोसी महिला द्वारा बच्चे को कल शाम को उठाकर बागवेड़ा में रहने वाली एक महिला को बेच दिया गया। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि उक्त महिला द्वारा उनके पड़ोसी से 3.5 लाख रुपये में इस बच्चे का करार किया गया। अभी 4 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं। क्या क्या नाम है सर? परोजित कौर है, मंजीत कौर है, मंजीत सिंह है, बबली कौर और नीतू।